नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कल्याणी अन्नपूर्णा किचन में। दोस्तों, आज मेरे किचन में एक नया प्रोडक्ट आया है जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और उसके आने से मेरे किचन में एक नया टूल आ जाएगा जिससे मैं नया वीडियो बनाऊंगी और आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए हम उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मैं ये लाई हूँ, तो चलिए इसमें क्या है हम लोग देख लेते हैं, और इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी कितने प्राइस है, कैसा है सामान। तो चलिए पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए अब इसको खोलते हैं। सबसे पहले ये मिक्सचर आया हाथ में, मिक्सचर मशीन जिससे व्हिपिंग क्रीम वगैरह मिलाते हैं, बनाते हैं, जिससे ये है, देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए, इसको भी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इसका जो मिलाने वाला है ये आया है, ये विस्कर है, और ये जिससे हम क्रीम मिलाते हैं, कुछ भी मिक्स करते हैं, ये है, और ये विस्कर, ये भी मिलाने वाला है। इससे क्रीम फेंकते हैं केक के लिए, बेसिकली केक के लिए जो हम क्रीम फेंकते हैं ना, इसी से फेंका जाता है। तो ये है दो, और ये भी दो है। अब हम मशीन निकालेंगे, ये मशीन, ये देखो मशीन, इसका वायर इतना लंबा है, ये देखिए, और इसमें हम ये इस तरह से लगाया जाता है, ये देख सकते हो दोस्तों, ये इस तरह से लगाया जाता है, लग गया, और इसको इस तरह से फेंटा जाता है। इसमें 7 स्टेप है दोस्तों, इसमें 7 स्टेप है, ये देखिए, ये इसके साथ 7 स्टेप है, इस तरह से ऐसे करते जाएंगे तो ये 7 स्टेप है। ये मशीन और ये इसके बारे में लिखा हुआ है, ये मशीन के बारे में कैसे यूज़ करना है, आप ये भी ये देखिए, के बाद ये नोजल्स हैं जिससे क्रीम पे केक पे डिजाइन बनता है। ये टोटल है, ये टोटल 12 है, आप 12 तरह के डिजाइन बना सकते हैं। ये देखिए, ये इसको लगा के 12 है, ये भी उसके साथ आया है, और ये देखिए, इस तरह से खुलेगा, और इसमें इस तरह से डाल के
इसको इस तरह से लगा देंगे और इसको इसको भर देंगे और यहाँ पे रबर बांध के इस तरह से डिज़ाइन हम बना सकते हैं। और ये है पाइपिंग बैग, इसमें 25 पाइपिंग बैग हैं, तो आप 25 बार इसको यूज़ कर सकते हैं और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये वॉशेबल है, इसको आप धोकर दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। अब आगे दिखाते हैं सामान। और दोस्तों इसके साथ ये 25 पाइपिंग बैग मिली है, ये जो हम क्रीम भर के और इसको इसको लगाएंगे और से डिज़ाइन बनेगा केक पे, तो वो 25 पाइपिंग बैग इसके साथ मिली है। ये है दोस्तों, और बीच पर निकालते हैं। ये मेजरमेंट के लिए कप है, ये कप कितने हैं, छोटे 4 हैं और उसके बाद 4 ये मेजरमेंट वाले कप हैं। तो जब भी हम केक बनाते हैं तो मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप केक बनाओगे और मेजरमेंट से नहीं डालोगे तो आपका केक और कोई भी डिश अच्छा नहीं बनेगा। तो ये है मेजरमेंट के लिए कप। ये है केक टर्न टेबल, केक टर्न टेबल, जो केक हम बनाते हैं और वो घुमाते हैं वो है ये। तो इसके साथ इसके अंदर है नाइफ, ये देख सकते हैं ये नाइफ है। तीन नाइफ है इसके साथ, देख सकते हैं उसको। केक टर्न टेबल ये ऐसे घूमेगा, इस पे हम केक बनाएंगे और ये इस तरह से इसको घुमाएंगे तो ठीक है, क्वालिटी में भी बढ़िया है। तो और ये है, जब हम केक को ऐसे समतल करते हैं ना, एक जैसा बनाते हैं, उसके लिए है ये। और ये है केक में जो साइड में हम डिज़ाइन डालते हैं बराबर करने के लिए, वो है। ये देख सकते हो दोस्तों, तो ये 4 है, 4 है ये और ये है 1। ठीक है, क्वालिटी भी बढ़िया है, काम चलेगा अच्छा। और ये स्पैचुला है और बटर ब्रश है, ये भी इसके साथ है। तो ये भी इसके साथ मिले हैं। और अब ये है बड़ी वाली नाइफ और ये है केक की, जब हम कटिंग करते हैं ना तो ये बड़ी वाली चाकू से करते हैं। ये देखने में बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं दोस्तों, की डिज़ाइन भी अच्छी है और इसका जो हैंडल है एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो देखने में अच्छा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों,
तरह से अच्छा लग रहा है ना देखने में दोस्तों। देखिए अभी और हम देख लेते हैं और क्या है, और तीन टाइप से हम केक बना सकते हैं, एक हार्ट शेप है, एक ये है और एक गोल है राउंड में है और एक ये चकोर है। तो हम तीन तरह से केक बना सकते हैं, तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये हार्ट शेप है, देख सकते हैं दोस्तों बहुत बढ़िया है, और ये खुलने वाला है जब भी हमारा केक बन जाएगा। और इस तरह से हम खोलेंगे तो केक का जो शेप है वो बिगड़ेगा नहीं। ये देखिए एक खुल भी सकता है, केक को निकालने में बहुत ही आसानी होगी इस तरह से, और ये आसानी से लग भी जाता है। इसको हम इस तरह से डालकर और इसको हम इस तरह से ऐसे कर देंगे, ये लग गया। एक तो ये हार्ट शेप है और ये राउंड शेप है, इसको भी इस तरह से हम, ये राउंड शेप है इसको भी इस, ये बंद है, अब इसको हम खोलेंगे तो ये इसका प्लेट बाहर आ गया है, और इसी तरह से इसको इसमें डालकर इसको इस तरह यहाँ से ऐसे राउंड में इसको एडजस्ट करके ऐसे, और इसको इस तरह से लगा देंगे। ये बन गया तरह से, ये हो गया दो, और ये हमारा ये चकोर टाइप का है, इसमें चकोर बनेगा, इसमें 2 kg का केक बन जाएगा दोस्तों, इसमें 1 kg का, और ये 1/2 kg का है, इसमें 1/2 kg का केक बना सकते हैं। तो ये भी इसी टाइप से खुल जाएगा यहाँ से और बंद हो जाएगा, और केक निकालने में बहुत ही आसानी होगी इसमें, और ये इसमें चिपकता भी नहीं है। जब भी हम इसमें केक बनाते हैं ना, तो अगर आप बटर पेपर नहीं डालेंगे और ऑयल नहीं लगाएंगे तब भी ये इसमें चिपकेगा नहीं। ये इस तरह का है, और देख लेते हैं ये लास्ट, इसको हम नीचे रख देते हैं। ये है, ये केक डेकोरेट करने के लिए जब फ्लावर की जरूरत होती है ना, तो इसी से फ्लावर बनता है। इससे छोटा फ्लावर बनेगा, इससे थोड़ा मीडियम, और इससे बड़ा फ्लावर बनेगा। तो ये तीन तरह से बनेगा दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो इसमें टोटल सामान है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये 15, टोटल 15 सामान है। ये मुझे पड़ा 1400 रुपये का सारा सामान है, ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था मैंने, और ये 15 सामान मुझे 1400 रुपये का पड़ा है। 1400 सामान बहुत ही बढ़िया है, और दोस्तों इसमें 15 सामान है जो 1400 रुपये में आया है।
और अब मैं अपने किचन में बेकिंग एंड केक का सामान केक बना सकती हूँ। तो आप मेरे वीडियो को देखिए, अगर आप मेरे ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। दोस्तों ये सारी चीज़ है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है, ये टोटल 1400 रुपये का पूरा सामान है। ये केक टिन है जो 3 तरह के हैं, ये चकोर टाइप के, ये राउंड में है, ये हार्ट शेप का है, ये हाफ केजी का है, ये 1 केजी का है और ये 2 केजी का है। आप इसमें 2 केजी का केक बना सकते हैं। और ये है, इससे हम रोज़ेस बना सकते हैं जो केक पे लगता है, ये उसके डिज़ाइन के लिए है ये तीनों। और ये है, इस पे हम केक रख के इस पे डिज़ाइन बना सकते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्न टेबल। ये टर्न टेबल है, इससे हम इसमें राउंड राउंड कर सकते हैं, घुमा सकते हैं जैसे मर्जी। और ये है केक के डिज़ाइन बनाने के लिए, जो साइड में हम केक के डिज़ाइन बनाते हैं, ये वो है, ये 4 तरह का है। और इससे हम जब केक को प्लेन करते हैं वो है ये। और ये है दोस्तों, ये मेजरमेंट करते हैं इससे। इसमें टोटल 8, 2 छोटे चम्मच हैं, 4 छोटे चम्मच हैं और 4 जो बड़े कप हैं मेजरमेंट के लिए। और सब पे लिखा हुआ है कितना क्या हम डाल सकते हैं। और ये है विस्कर, जो ये मशीन में जैसे ये लगा हुआ है ऐसे इसको हम लगाकर मशीन को विस्क कर सकते हैं। और ये मशीन, इसमें टोटल 7 स्टेप हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं, इस पर लिखा भी हुआ है, टोटल 7 स्टेप है। तो इस तरह से कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये 6 स्टेप हो गया। और ये 2, 7, इसमें 7 स्टेप है दोस्तों। तो मिक्स करने में बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है। और इसके बाद ये है नाइफ, जिससे हम केक को अच्छी तरीके से बनाने में यूज़ कर सकते हैं। और ये है डिज़ाइन, जो क्रीम से हम केक, इसको लगा के ये 12 हैं। और ये है पाइपिंग बैग, इसमें टोटल 25 है, ये टोटल 25 बैग है, ये भी आता है इसके साथ। और ये बटर ब्रश एंड ये स्पैचुला इसके साथ है। और ये नाइफ, है, केक कटर है इसमें, जिससे हम केक काटते हैं, ये बड़ी वाली नाइफ है। और ये इससे हम केक को अच्छी तरह से उठा सकते हैं प्लेट में डालने के लिए। और ये वो है, तो देख सकते हैं दोस्तों ये सारा सामान आया है। मैं तो बहुत एक्साइटिंग हूँ अपने किचन के लिए यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और साथ में ये भी बताना मैं अगला नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊं, तो मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी करना दोस्तों। और अगले नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।